बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली फूड इजी एंड सिंपल रेसिपीज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमने बनाए हैं गोला कबाब। बहुत आसान सी तरकीब है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गोला कबाब शुरू करते हैं। आधा किलो मशीन का कीमा है, रूखा कीमा है और इसमें पानी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। एक चाय का चम्मच पिसी हुई मिर्चें, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, एक चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, एक चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, एक चाय का चम्मच चाट मसाला, नमक हसबे ज़ायका, एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दो खाने के चम्मचे कॉर्नफ्लावर, चार खाने के चम्मचे भुना हुआ बेसन, थोड़ी सी तली हुई प्याज है, ये 10-12 हरी मिर्चें हैं, ये दो लीमों का रस और थोड़ा सा हरा धनिया है। एक बार फिर कीमे की मशीन में से गुजारते हैं ताकि हरा धनिया, हरी मिर्चें, तली हुई प्याज ये अच्छी तरह से पिस जाएं और कीमे में शामिल हो जाएं। इसका टेक्सचर देख लीजिए कितना सब स्मूथ है। अब इसमें कोयले का धुआं लगाते हैं। थोड़ी देर पहले कोयला दहका लिया था। इसमें थोड़ी सी जगह बना के एक कटोरी रखी है। गरम कोयला इसमें रखते हैं और इस पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं और इसको ढक दें। ये सब धुआं इसमें जमा हो गया है। इसको 2 मिनट तक ढके रहने दिए। 2 मिनट के बाद इसमें धुआं ख़त्म हो गया है, ढक्कन हटाया है। कीमे के अंदर धुएँ की अच्छी सी खुशबू शामिल हो गई है। कटोरी हटाते हैं और इसको चमचे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। 1 घंटे बाद कीमा निकाला है। इसका हम शेप बनाएंगे कबाबों का। मेरे पास ये स्ट्रॉ है, थोड़ा सा ऑयल है। हाथों को चिकना कीजिए और इसको कबाब का शेप देते हैं। इस तरह से मैंने कबाबों का शेप दिया है। इसको स्ट्रॉ में से गुजारा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये देखिए इस तरीके का शेप होना चाहिए। इसी तरह से एक एक कबाब बना के रख दें। अब इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए एक पैन को गरम किया है। गरम पैन में 2 खाने के चम्मचे ऑयल डाल दिया। अब इसमें एक एक करके तमाम कबाब शामिल कर लें और इसको मीडियम आंच पे फ्राई कीजिए। 4-5 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरे साइड से। जब ये तैयार हो जाए तो इसे निकाल लें। सलाद और रायते के साथ खाइए, बहुत ही मज़े के होंगे। और अगली आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।